धनिया पत्ता डाल डुटू, धनिया पत्ता कांदा पत्ता डुटू, तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो ये बढ़िया सा रेसिपी बनकर तैयार हो चुका है, चिकन चिल्ली ड्राई। तो दो बढ़िया रेसिपी दिखाऊंगा, एक चिकन चिल्ली ड्राई बनाना और दूसरा जो है वेज मंचूरियन ड्राई बनाना। तो दोनों इतना फटाफट बनेगा नहीं कि 5-7 मिनट में हम लोग कितना फटाफट होटल पर रनिंग ऑर्डर कैसे बनता है वो दिखाएँगे। तो सबसे पहले देख सकते हो मेरे पास चिल्ली का चिकन फ्राई करके रखा हुआ है, ये हमने एक पोर्शन के लिए आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी सारा बना हुआ रहता है, जैसे जैसे ऑर्डर आए तो फिर गर्म कर लिया जाता है। बाजू में जैसे कि देख सकते हो डैश काटा हुआ कांदा और कैप्सिकम, तो ये दोनों चिल्ले बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है। कांदा कैप्सिकम और चिकन फ्राई किया हुआ दिखा रहा हूँ आप लोगों को, साथ साथ जो हमारा सेटिंग है सेटिंग में बाकी सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हो ये चाइनीज़ का सेटअप है दोस्तों, एक कांदा पत्ता से लेकर गार्लिक चॉप, ग्रीन चिल्ली, जुलियन कटवा सब कुछ। इसके बाद सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल डालने के बाद थोड़ा गर्म करने के बाद कांदा जो शिमला जो था उसको दे दिया। उसके साथ साथ मैंने एक बड़ा टेबल स्पून गार्लिक चॉप डाला। अब डालेंगे इसमें जिंजर 1/2 टेबल स्पून। तो इसको स्पाइसी करने के लिए चिल्ली है तो चिल्ली ढेर सारा डालना है दोस्तों। चिल्ली डालने के लिए कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है, चिल्ली में अगर स्पाइसी ना हो तो मज़ा बिल्कुल नहीं आने वाला दोस्तों। तो जैसे कि देख सकते हो गार्लिक, जिंजर, कैप्सिकम, कांदा और जो लहसुन है ये सब डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह सौटे कर रहा हूँ। ज़्यादा पकाना नहीं, थोड़ा हाफ डाउन करना है। आपको पता होगा कि चाइनीज़ का जो स्टार्टर बनता है वो ज़्यादा पका हुआ नहीं होता है, थोड़ा हाफ डाउन रहता है, यानी कि आधा कच्चा टाइप का। तो थोड़ा सा सौटे कर लिया हमने। इसके बाद जो हमारे पास नॉन वेज स्टॉक वाटर होता है दोस्तों ये हमने डाल दिया, जितना हमको ग्रेवी या ठीक बनने के लिए ड्राई बनने के लिए चाहिए। साथ साथ वाइट पेपर 1 टेबल स्पून, सॉल्ट स्वाद अनुसार और एरोमेटिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून टेस्ट के लिए। साथ में चिकन डाल दिया हमने, अब डाल दिया 1/2 टेबल स्पून सोया सॉस और 1/2 टेबल स्पून चिल्ली सॉस। तो जितना सॉस को आपको ज़रूरत है दोस्तों आप उतना डालिएगा। हमारा एक अलाकार्ट ऑर्डर बन रहा है तो एक अलाकार्ट ऑर्डर के लिए एक चिकन चिल्ली ड्राई बनाने के लिए जितना सॉस की ज़रूरत है उतना डाल रहा हूँ। आप साथ साथ जैसे कि देख सकते हो चिकन गर्म हो चुका है, आप डालेंगे कॉर्न स्टार्च, जो कॉर्न फ्लोर घुला हुआ पानी में वो हमने थोड़ा सा डाल दिया है इसमें, जितना ठीक चाहिए अपने को चिल्ली ड्राई होने के लिए उतना। साथ साथ कांदा पत्ता थोड़ा सा, ये हो गए मिक्स और ये बन गए हमारा चिकन चिल्ली ड्राई बढ़िया तरीके से। देख सकते हो बहुत बेहतरीन चिल्ली बना हुआ, इसका साथ आप रोटी खा सकते हो। देखिए स्टार्टर है, आप चाहे सिंगल खा सकते हो, चाहे इंजॉय करने के लिए आप इसके साथ कुछ भी खा सकते हो। तो दोस्तों ये बन गया चिकन चिल्ली ड्राई। आप दूसरा रेसिपी आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देख सकते हो मेरे पास मंचूरियन बॉल्स बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि मंचूरियन बनाना नहीं दिखा रहा हूँ, हमारा पास पहले से मंचूरियन बन के रेडी बना हुआ है, ये बॉल बना हुआ है, इसको हम फ्राई कर लेंगे दोबारा। तो सबसे पहले मंचूरियन बनाने के लिए तेल डाला हमने, सनफ्लावर ऑयल गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून ऑनियन चॉप, तो कांदा चॉप जरूरी है, साथ साथ गार्लिक 1 टेबल स्पून, जिंजर भी 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा ज़्यादा। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो इसमें चाइनीज स्टार्टर है तो इसमें जिंजर गार्लिक का कॉम्बो ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा ज़्यादा डालना जरूरत होता है क्योंकि इसी का टेस्ट बनता है। तो इसको हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे अच्छी तरह, यानी कि एकदम लाल नहीं करना, थोड़ा बहुत। इसके बाद जो बारीक कटा हुआ ग्रीन चिल्ली है ये चिल्ली डाल दिया हमने 1/2 टेबल स्पून, यानी कि जितना स्पाइसी चाहिए अपने को, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा। तो इसके बाद आप देख सकते हो बाजू में जो कढ़ाई है, कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, तेल के साथ साथ उसमें जो मंचूरियन बॉल्स है 12 पीस एक पोर्शन का, 1 पोर्शन मंचूरियन भी इसको हमने दोबारा फ्राई कर लिया परफेक्टली जितना अपने को चाहिए। हमने जो डब्बा पे आपको देखा है वो अप डाउन किया हुआ होता है, जैसे ऑर्डर आए वैसे उसको दोबारा फ्राई कर लिया जाता है फुल डाउन करके। ये हमने डाल दिया वेज स्टॉक वाटर, जो वेजिटेबल स्टॉक वाटर होता है वो हमने डाल दिया, स्वाद अनुसार नमक, मैरिनेट पाउडर 1/2 टेबल स्पून, वाइट पेपर 1/2 टेबल स्पून, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमने थोड़ा सा टचिंग किया चिल्ली सॉस एकदम लाइट नाम के लिए, और थोड़ा सा ज़्यादा 1 टेबल स्पून
सोया सॉस दोस्तों ज़्यादा डालिएगा इससे कलर आने के लिए। अब इसमें हमने डाल दिया मंचूरियन वेजिटेबल जो फ्राई करके रखा। अब ये पानी के साथ थोड़ा सा गर्म होगा और इसका जो जूस है अंदर खींचेगा ताकि मंचूरियन थोड़ा सॉफ्ट बने, नरम बने। अपना घर पर बना लीजिए, बहुत बेहतरीन रेसिपी, सिंपल रेसिपी है, घर पे बच्चों के लिए बनाइए, ऑल फैमिली के लिए बना सकते हो। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने कॉर्न स्टार्च डाल दिया, साफ साफ डाल रहा हूँ धनिया पत्ता, और ये जो रस्सा था वो ड्राई हो चुका है, यानी कि वेज मंचूरियन जितना थिक होना चाहिए वो बन चुका है दोस्तों। तो देख सकते हो कितना बेहतरीन ड्राई बन चुका है वेज मंचूरियन ड्राई, और इसका कलर भी लाजवाब कलर आया है दोस्तों। ठीक है, तो ये परफेक्टली वेज मंचूरियन ड्राई बन के तैयार हो चुका है। तो आप लोग इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अगला वीडियो पर।